सैमसंग की भी तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, कंफर्म डेट पता चल गया। तो चलिए वीडियो में आपको आगे बताता हूँ क्या है इसकी डेट, कितनी प्राइज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी का एक न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A31 यानी कि ए सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन जुड़ने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सरनदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक रिव्यू सरनदीप। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पैसे तो नहीं लगते भाई, सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दें और जाके इंस्टाग्राम को भी हमें ज़रूर फॉलो कर दीजिए, नीचे लिंक दे दूँगा। तो चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बैक, जो कि प्राइस के हिसाब से डिसअपॉइंट होना पड़ता है। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर डिज़ाइन, तो ये प्लास्टिक बैक में आपको देखने को मिलता है और जितने भी सैमसंग का एम सीरीज के जैसा फ़ोन है उसी तरह देखने में लगता है। तो इन डिस्प्ले से बात करो तो इसमें हमें देखने को मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल, जो कि फुल एचडी डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर रेजोल्यूशन की, तो फुल एचडी प्लस आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा और ड्रॉप नोज के साथ ये डिस्प्ले आता है। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी का 15 वाट का फास्ट चार्जर USB टाइप सी के साथ ये फ़ोन हमें देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की प्रोसेसर की, तो MediaTek Helio P65 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा ये फ़ोन होने वाला है। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की कैमरा की, जो कि क्वाड कैमरा का सेटअप रेयर में हमें देखने को मिलता है, जो कि 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का वाइड एंगल लेंस और 2 MP का जो कि मैक्रो लेंस और 5 MP का जो कि डेप्थ सेंसर में देखने को मिलेगा। ड्रॉप नोच में हमें 20 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर कुछ सॉफ्टवेयर की, तो जिसमें आपको सैमसंग का ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 10 पर यह वर्क करता है। मैं बात कर लूँ इसके रिलीज डेट, तो ये 4 जून को रिलीज होने वाला है इंडिया में। मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की प्राइस की, तो 15000 के आसपास इसकी प्राइस रहने वाला है, जो कि 4GB 64GB स्टोरेज साथ आएगा बेस वेरिएंट में। तो यही कुछ लीक्स निकल के आया सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में, जो कि आप सब जान लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इंटरेस्ट है खरीदने में तो 4 जून को आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करिएगा सैमसंग से आप डिसअपॉइंट हुए या आपको अच्छा लगा ये फ़ोन देख के। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।